नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई व्यय से रिलेटेड। जी हाँ, व्यय में भाई आप लोग रहते होंगे, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो सकती है। समस्या का मतलब किसी भी प्रकार की, ए से लेके जड़ तक। लेकिन उसमें आपको यह भय होता है कि यार हम इसकी शिकायत कहाँ करें, अगर करेंगे तो हमारा नाम ओपन हो सकता है, हमारी जॉब जा सकती है, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपने देखा होगा आपके पड़ोस में कोई दारू बेच रहा है, कोई दो नंबर का काम कर रहा है, कोई नशीले पदार्थ बेच रहा है, इस तरह से आपने देखा होगा ना, कोई मतलब गलत काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। हालांकि आपका अंदर से मन करता है कि यार हम इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन करेंगे कहाँ पे, पहली बात तो पता नहीं, दूसरी बात अगर पता भी होता है तो डरते हैं कि भाई क्या पता हमारा कल को नाम आ जाए, नाम ओपन हो जाए। इस परिस्थिति में बता दूं, वीए की जो पुलिस है उन्होंने एक सुविधा चालू की थी, आपको बता दूं, गुप्त और सुरक्षित के मैटर से रिलेटेड। जी हाँ, उसको नाम दिया गया है अल अमीन सेवा। जी हाँ, गुप्त सेवा। इसमें आपको मैंने नीचे इनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर या फिर एसएमएस वगैरह पूरे नंबर भी दूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कुछ गलत होते हुए, जो कानूनन गलत है वीए के कानून के अनुसार, उसकी शिकायत आप कर सकते हैं, जिससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका एक आपका दायित्व भी बनता है कि भाई आपके सामने जो काम अगर कोई गलत हो रहा है तो उसकी शिकायत करें। जी हाँ, दुबई पुलिस ने 2003 में ये पुलिस द्वारा शुरू की गई थी वीए में। जी हाँ, जिनमें अल अमीन सेवा नाम दिया गया था, जिसमें आप वीए के, चाहे वीए का लोकल नागरिक है, चाहे आप टूरिस्ट पे गए हैं, चाहे आप घूमने गए हैं, चाहे यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप विदेश के बाहर के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, गोपनीय रूप से जानकारी आप दे सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षा है। ये आपकी भी गारंटी होती है कि आपका कहीं कोई नाम नहीं आता है, कहीं आपके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं होती है, कहीं आप उसमें कोई आपको एविडेंस बनाया जाता है। जी हाँ, इसको एक सुरक्षा मजबूत करने के लिए, देश को एक आंतरिक सुरक्षा का माहौल अच्छा बनाने के लिए सब कंट्रीज में होती है, इंडिया में भी है। इंडिया में जिनको बोलते हैं ना खबरी, वो खबरी वाला सिस्टम होता है। बाकी आपको खबरी नहीं बनना है, आपके कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत की बात करें तो अवैध गतिविधि जो कानूनन इलीगल है, वो जैसे भ्रष्टाचार हो गया, नौकरी से रिलेटेड शोषण होता है, वहाँ पर भी आप ये काम कर सकते हैं। जी हाँ, आतंकवादी गतिविधियों के बारे में या संगठित कोई अपराध है उसके बारे में, या फिर कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट, कोई जालसाजी प्रोसेस चल रहा है, नकली डॉक्यूमेंट बनाने का, आपको पता चले कि वहाँ पर नकली डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, या फिर नौकरी से रिलेटेड, आपको ध्यान रखना है कि नौकरी से रिलेटेड लोगों का शोषण हो रहा है, उसमें भी आपको ये इसमें भागीदारी अपनानी चाहिए। जी हाँ, कई जगह आपने देखे होंगे नकली नोट, नोटों का लोग व्यापार करते हैं, जासूसी करते हैं, जनमत को बहकाना यानी जनता को बहकाने वाला काम करते हैं, सार्वजनिक जगह पे अव्यवस्था फैलाना, जी हाँ, शांति अशांति के लिए अफवाह फैलाना, उनका प्रचार कर, नियमक उल्लंघन से रिलेटेड हो सकता है, नैतिक कदाचार, धन शोधन यानी कहीं पर से धन निकाला जो दो नंबर का काम आता है। जी हाँ, आगे अगर बात करें मादक पदार्थों की तस्करी, आपको पता है भाई सबसे ज्यादा तस्करी का होता है, या फिर अपहरण, किसी का अपहरण कर लिया जाता है। स्वास्थ्य सुरक्षा से रिलेटेड भी कोई मैटर हो सकता है। पर्यावरण खतरा, पर्यावरण खतरा से मतलब समझते हैं, ऐसा जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण होता है, लोगों का जीवन खतरे में पड़ता है, उसकी भी आप शिकायत कर सकते हैं। सफेदपोश, जी हाँ, अफसर उससे रिलेटेड जो नेता रिलेटेड होते हैं, वित्तीय अपराध, लेन देन से संबंधित कोई अपराध हो रहा है, या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि आपको लगता है कि ये है, तो उसकी पूरी सूचना आपको देनी चाहिए अल अमीन सेवा पे, और उसका आपका नाम, आपका एड्रेस, पूरी गुप्त पहचान रखी जाएगी, इसका कहीं कोई पता नहीं लगने वाला है। जी हाँ, आप आराम से, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसलिए हो जाती है कि आपका कहीं कोई नाम पता नहीं आता है। जी हाँ, किसी भी प्रकार की जाँच में भी आपको शामिल नहीं किया जाता, ये नहीं कि भाई आपने वो दी उसका पुलिस केस बन रहा है उसमें आपको जाँच में शामिल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका कहीं कोई मैटर नहीं आता है। अगर आप बिना ड्रेस शिकायत करना चाहते हैं तो बता दूं, फ़ोन नंबर की बात करें तो 800-4888, जी हाँ, इस नंबर पे आप शिकायत कर सकते हैं। फैक्स अगर आप करना चाहते हैं, फैक्स नंबर की बात करें 04209777, ये फैक्स नंबर है, इस पे भी आप शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ, अगर एसएमएस की बात करें 444, इस नंबर पे आप एसएमएस भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी की बात करें alamin@alaminuaesae.ae, इस पे भी आप शिकायत कर सकते हैं। वेबसाइट की बात करें www.alamin.ae, इस ये वेबसाइट है, इस पे भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो इस पे आप गुप्त रूप से शिकायत करें, आपका कहीं कोई नाम नहीं आएगा, और आपकी आपकी जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम है उसका समाधान भी हो जाएगा। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगे, तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।